कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों की बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक। और पीछे का बैकग्राउंड चेंज इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आई हुई हूँ मम्मा के घर पे और हम कर रहे हैं चाय नाश्ता। यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, मम्मा उधर में हैं और मिनाज उधर में हैं, और अभी हम पी लेते हैं चाय। और आज हम जाने वाले हैं पार्टी में, आज की पार्टी है नगमा की तरफ से। पहले चाय पी लूँ फिर बताती हूँ। नगमा के ट्विंस जो बेबीज़ हैं उनका आज है हैप्पी वाला बर्थडे, तो वहाँ हो रही है पार्टी, तो हम आज जाने वाले हैं पार्टी में। मैं वीडियो की शुरुआत जो कर रही हूँ ना वो कर रही हूँ, शाम के बज रहे हैं 6:30 और बस पापा के लिए रोटी बना दूँ फिर उसके बाद चलेंगे। अच्छा वो है पापा के लिए रोटी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि भाभी जी गई हुई अपने मायके में छुट्टियाँ बिताने के लिए, तो हमने सोचा हम अपने मायके में अभी आए हुए हैं फिलहाल, तो पापा जो है ना बाहर का खाना इतना पसंद नहीं करते हैं, जो पार्टीज़ वगैरह में होता है वो इतना नहीं खाते, वो घर का सादा दाल रोटी। तो आज बन रही है पापा की फेवरेट वाली दाल और रोटी, देसी खाना पापा खाते हैं, तो बस पापा की पसंद का बन रहा है, हमें हमारी पसंद का मिल जाएगा, तो बस बल्ले बल्ले हो जाएगी आज हमारी। और मैंने चाय बहुत यम्मी बनाई है, मम्मी ऐसा कह रही है, मम्मा चाय अच्छी थी ना, बहुत बढ़िया। मम्मी बोल रही है बहुत बढ़िया, बारिश भी बोला बाबा कॉफ़ी भी टेस्ट भी। अच्छा, अभी मैं किसी को इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि सब अभी अपने ऐस में बैठे हुए, सब क्या मम्मी और मिनाज ही और मैं हूँ, हम टूट पे 3 उल्लू बैठे हुए और 2 हमारे बच्चे तो बस अभी हम जब तैयार हो जाएंगे ना फिर आप लोगों की सबसे मुलाकात होगी। आज हम वीडियो शूट बहुत अच्छा करने वाले हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है आज की, मेरी मुझे अपने आप से पूरी उम्मीद है। यस मिनाज ये अच्छा है, ओके नहीं दिखा रही, नहीं दिखा रही मिनाज, बैक कैमरा नहीं है। हाँ मिनाज अपनी ड्रेस डिसाइड करती तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने मिनाज से कुछ और निकलवाया। यस यस हाँ मैं पूरा मिनाज अच्छा वाला बनाऊंगी, स्लो मोशन में बनाऊंगी, ऐसा वाला बनाऊंगी ऐसे राउंड राउंड मैं भी करूंगी, मेरा भी करना है ना, है ना। डील 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 चलो जी चलो, लेट हो जाएगा, अभी हम चलते हैं किचन की तरफ में, ठीक है ना। और मैं रेसिपी वगैरह कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ, फिर कभी जब बनाऊंगी ना तब शेयर कर दूंगी, ठीक है। चलो नगमा की पार्टी में मिलेंगे, नहीं उससे उससे पहले तैयार होने के बाद मिलेंगे। जाएगी कहीं पे भी जाओगे ना आप चोट लग जाएगी आपको, तो हम तैयार होके खड़े हुए हैं, मम्मी का वेट कर रहे हैं। मैंने बनाया है जूड़ा, हाँ सिर्फ जूड़ा बनाया है, पता नहीं कैसे दिखेगा। अच्छा जी तो हम यहाँ पर आ चुके हैं बर्थडे पार्टी में, माशाल्लाह से नगमा ने और उसके हस्बैंड ने करा था बहुत ही गजब का इंतज़ाम, अपने बच्चों की खुशी करी थी। और ये है जोया मेरी खाला की नवासी, मतलब मेरी बड़ी वाली जो खाला थी अल्लाह बख्शे उनको, अब वो नहीं है, उनकी नवासी है। और यहाँ पर हमारी छोटी वाली खाला जा रही हैं अरेंजमेंट्स देखने के लिए, और हम सब अभी पहुँचे हैं और आप लोग भी देख सकते हो अरेंजमेंट कैसा है कैसा नहीं है। और ये हैं लाड़ी जानबूझ के बीच में आ रही हैं ताकि वीडियो शूट हो जाए, वीडियो में आ जाए, तो वहाँ पर केक कटेगा और यहाँ पर सारे। और ये वाली खाला को आप सब जानते ही हैं, इनका मैंने आपको दिखाया था और हम लोग मैचिंग हो गए थे खाला। अच्छा जी तो मैं आपको बता रही थी कि दोनों खाला भांजी सेम वाइट हो गए हैं, यहाँ पर वाइट कलर के हम 3-4 लोग थे जिन्होंने वाइट पहना हुआ था। तो खाला कह रही थी कि मैं आपका चैनल देखती हूँ और मैंने काफ़ी सारे लोगों से सब्सक्राइब भी करवाया है, तो थैंक यू सो मच शमा खाला, आपने इतना सपोर्ट किया हमें। और वो हर वीडियो मेरा देखती हैं, लाइक भी करती हैं और कमेंट नहीं करती बट उन्हें पसंद आता है। यहाँ पर हैं ज़ेबा और मिनाज जो कि साथ में रहती हैं इनकी तिगड़ी, और जब भी मैं तैयार होती हूँ तो ज़ेबा मुझे हमेशा हैना मोंटाना बोलती है कि बजी बनी
नहीं है ना मोहनते ना, तो ऐसे ही वो मेरी लैग पुलिंग करती है और हम भी बहुत करते हैं, ऐसी बात नहीं है, सबकी करते हैं, सब मेरी भी करते हैं, मैं भी सबकी करती हूँ, तो ऑफकोर्स इसी का नाम ज़िंदगी है। हंसते मुस्कुराते रहो, चलते रहो। और यहाँ पर आ चुकी हैं यास्मीन और इन्होंने करवाई अपने बालों में रिबॉन्डिंग और इनके बाल लग रहे हैं बड़े ही गज़ब से। और यहाँ पर सब जने बैठे हुए हैं, ख़ानदान वाले हैं वो, मेरी पुप्पी हैं, मम्मा बैठी हुई हैं। और मैंने फिर अपनी पुप्पी से बोला कि आप मास्क उतारो और आप भी इसमें दिखोगे। तो बस यहाँ, और ये मेरी पुप्पी ने बॉयकट इसलिए रख रखे हैं क्योंकि वो बाइक चलाती हैं और वो काफ़ी हार्ड वर्क काम करती हैं, वो भी सिंगल पेरेंट्स हैं, तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने अपने बच्चों का ध्यान रखा है, एक ही बेटी है उनकी। तो हम भी इसी तरीके से अपने मतलब रहते हैं सब जने साथ मिलके। और यहाँ पर देख लीजिए डेकोरेशन, पूरा इंतज़ाम मैं आपको दिखा रही हूँ, डेकोरेशन बहुत प्यारी करवा रखी है, बर्थडे के अकॉर्डिंग ही करवा रखी है। और 2 मार्च का था बच्चों का बर्थडे और मैं अब आपको, तो मुझे यहाँ पर सारा ख़ानदान खड़ा हुआ है, यहाँ पर सारे चुप अल्फिया मुमानी और खाला के बच्चे सब आपको सलाम कर रहे हैं। और यहाँ पर खालू भी खड़ी हुई है मेरी, क्योंकि इंतज़ाम उन्होंने करा था। और ये खाला की बेटी है सोनी, बड़ी वाली खाला की बेटी है। तो यहाँ पर सब हैं, यहाँ पर मामों के भी बच्चे पीछे जो खड़ी हैं ग्रीन सूट में, वो मेरे मामों की बेटी हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, भरा पूरा परिवार है। और अच्छा लगता है जब ऐसे छोटे मोटे फंक्शंस में सब जुड़ जाते हैं। और हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, किस चीज़ का मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर होने वाली है ग्रैंड एंट्री बच्चों की। तो बस खाला ने वो सरप्राइज़ रखा था नगमा के लिए, और मेरी खाला इस तरीके का दिल जीतने वाले का बहुत सारे काम कर जाती हैं सरप्राइज़ सरप्राइज़ के लिए। तो जी यहाँ पर एंट्री हो रही है नानी के नवासे, और नवासे की ग्रैंड एंट्री खालू ने करवाई थी, ये सरप्राइज़ था, नगमा को भी नहीं पता था, उसके हस्बैंड को भी नहीं पता था। तो यहाँ पर ये घोड़े पे उनकी नगमा की शहजादी और शहज़ादा आ रहे हैं, और पीछे जो है सारा नगमा का इन लॉज आ रहे हैं, उसके ससुराल वाले हैं। तो सब एक साथ ही आए थे, इकट्ठे आए थे फंक्शन में, हम लोग इस तरफ में खड़े हुए थे, ससुराल वाले उस साइड से आ रहे थे बच्चों को लेके। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार फंक्शन था। तो जी यहाँ पर आ चुके हैं नानी के शहज़ादा और शहज़ादी, माशाल्लाह से नगमा के दोनों बच्चे यहाँ हैं। नगमा के पास 3 बच्चे हैं, 2 जुड़वा हैं और बड़ी बेटी है। तो जो जुड़वा था ना वो डर रहा था थोड़ा घोड़े पर आने के लिए, तो इसलिए फिर बेटी और एक बेटे ने एंट्री की। दूसरा बेटा जो है वो पापा की गोद में है, वो आएगा अपने मामू के साथ क्योंकि वो है मामू का लड़ैता भांजा। नगमा के जो 2 बच्चे हैं ना जुड़वा, उनमें से एक नानी के पास रहता है, बचपन से ही खालुआ के पास है वो बेबी उसका। तो जी यहाँ पर बच्चों के दादा दादी आ चुके हैं और चाचू भी हैं, सारे ये नगमा के इन-लॉज ही हैं स्टेज पे, और नगमा के हस्बैंड भी हैं। तो बस यहाँ पर फ़ोटो शूट चल रहा है बच्चों का, और बहुत अच्छे से आप सब बस बच्चों को बहुत सारी दुआएं दीजिएगा, अल्लाह ताला इन्हें नेक बनाए, जितनी खुशियाँ इनके माँ बाप कर रहे हैं, ये भी अपने मम्मी पापा की 25th में मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट इससे भी ज़ोरों शोरों से करें। अल्लाह ताला हर किसी के बच्चों को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे, अच्छा उनका नसीब करे। और यहाँ पर ये मामू उनकी माजद की खुशी का ठिकाना नहीं है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि नगमा का जो एक बेबी है वो नानी के पास रहता है और एक उन लोगों के पास रहता है, क्योंकि वो 2 जुड़वा बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है, वो अभी खुद भी तो इतनी छोटी है, तो इस वजह से। और बस अल्लाह पाक इनकी फैमिली को बहुत ढेर सारी खुशियाँ दे, नगमा को, उसके हस्बैंड को। तो बस दुआओं में याद रखिएगा सबको। और यहाँ पर पीछे भी इसकी ये दादी खड़ी हुई हैं, यहाँ पर ताऊ जी हैं बच्चों के, नानी नीचे से खड़े होकर सब कुछ बता रही हैं। तो ये खुशी का टाइम होता है, सब लोगों को बहुत खुशी होती है, अल्लाह पाक सबकी खुशियाँ पूरी करे, सबकी जायज़ तमन्ना पूरी करे। ये इसके चाचू हैं जो बच्चों को केक खिला रहे, पीछे से दादू खिला रहे हैं। तो बस इसी तरीके से भरा पूरा परिवार है, नगमा के ससुराल में भी सारे जने हैं माशाल्लाह से, वो बहुत प्यार करते हैं नगमा से, उसके हस्बैंड से, क्योंकि वो लोग भी बहुत ही प्यारे हैं, हमारी नगमा है ही इतनी अच्छी कि सब उससे प्यार करें और सब उसको साथ लेके चलते हैं, वो भी सबके बारे में सोचती है, उसके लिए भी यही है कि ससुराल वाले फर्स्ट हैं, उसके बाद सब आते हैं। तो यहाँ पर हैप्पी,
तो जी यहाँ पर अब है नगमा का टाइम। आज नगमा की हो गई है, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नगमा के हस्बैंड ने दिया है उन्हें टोटली सरप्राइज़। जैसे ही केक कटा तो नगमा के हस्बैंड ने उसको एक निकाल के दिया ज्वेलरी बॉक्स, और उसमें थी एक गोल्ड की चेन, जिसमें ये नगमा को आ गए बहुत ज़्यादा मज़े। उसको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसको, आप एक्सप्रेशंस नोट किए नगमा के, वो ये कह रही है कि ये गोल्ड की है, गोल्ड की है। तो उन्होंने कहा हाँ जी गोल्ड की है, और इतनी खुश हो गई। वो पता है वो बहुत स्ट्रांग है, वो रो नहीं पाई। मैं होती तो पट 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 रोने लग जाती, और आसिफ जी को गले ही लगाती कि थैंक यू सो मच आसिफ जी, इतना प्यारा गिफ्ट देने के। बट नगमा बहुत खुश थी, बहुत टाइम तक उसको बिलीव नहीं हुआ। वो ना कि पूरी शिवर कर रही थी कि बाजी मुझे अभी तक नहीं पता कि ये इतना सब कुछ करने के बाद आज मुझे गिफ्ट देंगे, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस करा था नगमा को। नगमा का बर्थडे था जैन में, तो वो नगमा ने से बोल रहे थे कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाह रहा हूँ, सरप्राइज़ देना चाह रहा हूँ। हालांकि वो ये जब प्लानिंग पहले से ही करते हैं, वो बोलते बहुत कम है बट प्लानिंग बहुत तगड़ी होती है उनकी। तो यहाँ पर उन्होंने सरप्राइज़ करा नगमा को, और नगमा हो गई कुछ। नगमा अभी भी अपनी मम्मा को बोल रही है कि मम्मा मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ये दे रहे। और माशाल्लाह से चेन दी है गोल्ड की, और ये एक तोला से थोड़ी ऊपर की है। और आप देखिए नगमा को, देखिए नगमा कितनी खुश है। अल्लाह पाक इसे हमेशा ऐसे ही खुश रखे, हमेशा इसको हर खुशी से नवाजे। मुझे बहुत खुशी होती है जब ऐसे मैं नगमा को, माजिद को, लाडो टिनी किनू सबको खुश होता, मैं किसी को भी ऐसे खुश होते हुए देखती हूँ ना, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला तो सबके ऊपर अपना करम और रहम कर, सबको ऐसी खुशियाँ नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला इन दोनों की जोड़ी सलामत रखे, और नगमा अपने बच्चों को किस करिए कि भाई इन दोनों की वजह से मुझे ट्रेन भी मिल गई। हालाँकि इन दोनों के नहीं, ये उसके हस्बैंड का गिफ्ट था, ये इसका खुद का गिफ्ट था जो उन्हें देना था। तो बल्ले बल्ले नगमा जी आपको। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नगमा का जो छोटा वाला बेटा है जो खाला के पास रहता है, वो डर गया था घोड़े से, तो उसने एंट्री नहीं ली थी। लेकिन वो तो है माऊ का भांजा, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो मामू के भांजे ने एंट्री ली है, पहले बैठे हैं मामू घोड़े पे, उसके बाद उनके भांजे बैठेंगे। तो माजिद इतना प्यार करता है अपने भांजों से, उन्हीं के लिए जीता है, उन्हीं के लिए मरता है, उसके प्यार की कोई तुलना ही नहीं है। और हो भी क्यों ना, जब मेरे प्यार की कोई तुलना नहीं है तो माजिद के की कैसे होगी, क्योंकि है तो वो मेरा माऊ। और जब नगमा के ये बेटे हुए थे, और अब जब नगमा और इनके हस्बैंड इसका फंक्शन कर रहे हैं अपने बच्चों का, तो बस दिल में एक यही वो आती है, जब औलाद पैदा होती है ना, तो हर माँ बाप एक ही सॉन्ग गाता है, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे चांद कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तो ये सॉन्ग मैंने नगमा की तरफ से गाया है उसके बेटों के लिए। ऊपर वाला जितने ख्वाब, जितने अरमान नगमा ने और मेरी खाला ने देखे इन बच्चों के लिए, अल्लाह ताला सब पूरे कर दे, उनकी तमन्नाएं पूरी कर दे। अल्लाह इन्हें दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी दे, और बहुत लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे, अपने हिफ्ज़ो हिमान में रखे। और ये बच्चे जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, इनका चटर पटर चालू हो जाता है। तो बस आप सब भी आमीन कहिएगा, और अल्लाह ताला जो भी औलाद है ना, उनको भी औलाद दे दे, ताकि वो भी अपने बच्चों की ऐसी खुशी करें। अल्लाह तो हर माँ बाप के कलेजे को तर कर। और बस यहाँ पर मेरे माजिद की ग्रैंड एंट्री हुई थी अपने भांजे के साथ, तो बस आप लोग भी देख लीजिए। और मैं ये जो वीडियो है ना, वो दो पार्ट्स में करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मेरे पास हैं, बहुत ज़्यादा है, और एडिटिंग भी मेरे को बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है। तो एक पार्ट मैं आपको आज दिखा दूँगी, और जो दूसरा पार्ट है ना, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और मैं आपको वो भी बताऊंगी कि रात में माजिद रात को 12 बजे लेकर आए थे अपने भांजों के लिए केक, और उन्होंने रात में भी सेलिब्रेशन कराया है। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। अभी मैं देखती हूँ जितना मैं ऐड कर सकती हूँ इसके अंदर मैं ऐड ऑन करूँगी, और अगर लगेगा ज़्यादा हो रहा है 10 मिनट्स या 15 मिनट्स से ज़्यादा हो रहा है, तो फिर मैं नहीं करूँगी। और हम लोगों ने मचाया था बहुत ढेर सारा धमाल, बहुत डांस किया था, डांस करते करते हमने अपने घुटनों में दर्द इतनी बुरी तरीके से कर लिया था बस। लेकिन क्या करें, जब इस तरीके की सिचुएशंस आती है ना, तो फिर हम थोड़ा सा भूल जाते हैं कि हमारी तबीयत ख़राब रहती है।